श्रीलंका में अब मुस्लिम महिलाएं नहीं पहन सकेंगी बुर्का। 1000 मदरसों को भी किया जाएगा बंद। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कट्टरवाद को कुचलने का किया है वादा। धार्मिक कट्टरपंथ से जूझ रहा श्रीलंका बुर्के पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। महिंद्रा राजपक्षे सरकार ने ऐलान किया है कि श्रीलंका में जल्द ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, साथ ही 1000 मदरसों को भी बंद किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह कर बुर्के के पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरत वेरासेकेरा ने कहा है कि उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक बिल पर साइन किया है। इस बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बिल के कैबिनेट से पारित होते ही श्रीलंका की संसद इस पर कानून बना सकती है। वेरासेकेरा ने कहा कि सरकार ने 1000 से अधिक मदरसा इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। ये मदरसे श्रीलंका के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी स्कूल नहीं खोल सकता है और बच्चों को आप जो भी चाहे वह नहीं सिखा सकते हैं। सरत वेरासेकेरा ने कहा कि पहले के समय में मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां बुर्का नहीं पहनती थी। यह हाल ही में आए धार्मिक अतिवाद का संकेत है। हम निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कानून के आने के बाद श्रीलंका में मुसलमानों का गुस्सा बढ़ सकता है। बौद्ध बहुसंख्यक श्रीलंका में साल 2019 में इस्लामी आतंकवादियों के चर्चों और होटलों में किए गए हमलों के बाद भी कुछ समय के लिए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। श्रीलंका सरकार ने इससे पहले कोविड-19 से मरने वाले मुस्लिमों को भी दाह संस्कार अनिवार्य कर दिया था, जबकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मृतकों को दफनाया जाता है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समूहों की ओर से निंदा किए जाने के बाद इस बैन को हटा लिया गया था। 2020 में राष्ट्रपति बने गोटाबाया राजपक्षे ने आम चुनावों में देश से कट्टरवाद को कुचलने का वादा किया था। रक्षा सचिव के तौर पर उन्हें देश के उत्तरी भाग से विद्रोह को कुचलने के लिए जाना जाता है। राजपक्षे पर युद्ध के दौरान कई तरह के अधिकारों को कुचलने के भी आरोप लगे थे, हालांकि उन्होंने इन आरोपों को नकार दिया था। श्रीलंका सरकार के इस फैसले को इन्हीं चुनावी वादों से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।